आजमगढ़ में पुलिस ने सोशल पर महिलाओं की फर्जी आईडी बनाकर उनका अश्लील फोटो वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बता दें कि शहर के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई व्यक्ति उनकी बेटी के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी नाम और पते के आधार पर आईडी बनाकर अश्लील फोटो और मैसेज को अपलोड कर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। व्यक्ति ने बताया था कि घटना के बाद से उनकी बेटी डिप्रेशन में चली गई है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन जाल बिछाया और युवक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दीपक गुप्ता ने बताया कि वो लड़की को परेशान करना चाहती था, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुप्ता है जो कोतवाली प्रोडक्ट रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। और ये बड़ा पेशेवर टाइप का एक साइबर अपराधी है जो अपने मोबाइल से लड़कियों का फेक आईडी बना के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और दोस्ती होने पर उनके साथ उनको ब्लैकमेल करता रहता था। ऐसी कई सारे मामले से खिलाफ आए हैं कि जो महिला टीचर थी उन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी। जैसे मैंने आपको दिखाया, उनका जो फेसबुक इसका जो स्नैपशॉट था उसमें काफ़ी अश्लील बातें उनको कहीं लड़की बन करके, और कई सारी ऐसी महिलाओं के साथ इसने गलत काम किया हुआ है।